Hello friend, I'm Samadi back to the new tutorial video regarding soil mechanics. In this video, I talk about capillary of soil. So in this video, I discuss each and every aspect of capillarity. That means what do you mean by capillarity? Basic introduction, basic history, definitely derivation. how we can relate actually uh, this capillarity is basically comes from the fluid mechanic concept okay so this capillarity how relate with soil mechanics as well as as we study the effective stress How is we relate with the effective stress and further further we can discuss how capillary soil वेरी द इफेक्टिव स्ट्रेस सो ये पूरा चीज हम वन बाई वन सीखेंगे सो ये यूर नो एवरीथिंग देन डेफिनेटली डोंट वेस्ट योर टाइम यू कैन स्केप इट अदरवाइज वॉट द वीडियो टिल द एंड ब्रशअप योर नॉलेज एंड रिच योर नॉलेज इफ यूर न्यू इन माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर निवर मिशन अपडेट I am with this of video, every day. So, पहला क्या करेंगे इंट्रो थोड़ा इंट्रो हो जाए मेरा इंट्रो नहीं है कैपिलरी चैनल का इंट्रो बता दे के टाइम वेस्ट करने वाला तो मैं नहीं हूं सो बेसिकली एज पर आवर लेमन लैंग्वेज वट डू मीन बाई कैपिलरी बेसिकली इट इज फ्लो ऑफ वॉटर इट इज फ्लो ऑफ वाटर अब देखो हमको क्या पता है वाटर फ्लो फ्रॉम दफ स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम एग्री दैट मीन्स इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मान लो ये आपका ऑफ स्ट्रीम है ये आपका डाउन स्ट्रीम है देन वाटर फ्लो दिसन बट इन दिस कैपलरी फ्लो और राइज जो भी होता है फ्लो वर्ड जरूर होता है बट इन आप मतलब सर मतलब मतलब क्या चीज चल रहा है सर पूरा दुनिया में चीजें ऊपर से नीचे आता है जैसे न्यूटन ने कहा था वो जो एप्पल था वो ऊपर से नीचे गिरा था तो सर यहाँ पे क्या होता है जैसे कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में राइस होता है मतलब ऐसा ऐसा मतलब क्या होता है सर सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में सो so बस ये जान लो इंट्रो में कैपीबलिटी इज अ जस्ट फ्लो ऑफ वॉटर इन ओके। सो अगर अपवर्ड और डिरेक्शन हो रहा है मतलब एगेंस्ट ग्रेविटी ठीक है ठीक है भाई चलो अब अब हम जानेंगे हिस्ट्री थोड़ा हिस्ट्री जान लो बेटा मजा आ जाएगा इन ईयर ऑफ सिक्सटीन सिक्सटी 1660, 1757 में तो इंडिया में वार हो गया था 1660 में डी विंची, आई मीन लियोनार्डो विंची, इसको डिस्कवर किया था देखो भाई ये सर था पेंटर डिस्कवर किया है मैकेनिकल मतलब यार ह्यूमन बींग्स के अंदर ना इंफाइनाट पोटेंशियल होता है मतलब जो चाहता है वो कर सकता है और भी जान लो इसका जो टीचर है कौन है पता है सर गैलीलियो ठीक है जो भी हो यार, तो अब बैक करते हैं कैपिलरी में कैपिलरी 1660 में लियो दिं डिस्कवर किया है बस ये कोई एग्जाम्पल नहीं है बस ऐसे ही मैं बोल दिया अब करेंगे अब हम घुसेंगे कंसेप्ट में देखो कंसेप्ट क्या चीज होता है येस्टरडे ट अबाउट को अगर यह आपको नहीं पता है तो यह कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा सर नहीं आएगा सो गाइज इफ देर आई बटन गो एंड चेक इट आउट वीडियो को पॉज कर दो नहीं देख पाएगा वीडियो अगर यह देख लिया तो आओ तो मैंने क्या कहा था एक कोशन फोर्स जो होता है दो पार्टिकल के अंदर होता है और दो पार्टिकल सेम टू सेम होता है और एडिशनल फोर्स क्या होता है दो पार्टिकल के बीच आता है बट दो पार्टिकल डिफाइंड होता है इस दोनों के अंदर इंटर मोलिकुलर एस्ट्रक्शन फोर्स के बजाय से दो फोर्स जनरेट होता है बस ये सिंपल सा बात है तो चीजें क्या होता है देखो चीजें ये होता है मान लो ये सॉइल पार्टिकल ये सॉइल पार्टिकल ये सॉइल पार्टिकल ये फ्लुइड पार्टिकल मान लो ये ऐसा सरफेस है ये सरफेस किसका है सॉइल का सरफेस ये सॉइल का सरफेस और यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे फ्लूड पार्टिकल है अच्छे से देखो भाई ये फ्लूड पार्टिकल है अब मान लो यहाँ पे आप तीनों दोस्त हैं दोस्त ए बी सी ये मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं मतलब जूम करके कर रहा हूं ए बी सी ए बी सी का सिंपल सा बात है हम दोस्त हैं दोस्त कभी नहीं तोड़ेंगे ठीक है ठीक है भाई कभी नहीं तोड़ेंगे कोई नहीं तोड़ेंगे ए बोलेंगे हम ऊपर जाएंगे तो बी के साथ ले जाएंगे बी बोलेंगे हम ऊपर जाएंगे तो सी के साथ ले जाएंगे सी बोलेंगे हाँ भाई मैं भी साथ चलेंगे यहां पे कौन है सॉयल पार्टिकल है अब ए के साथ इसका दोस्ती हो गया सी के साथ इसका दोस्ती हो गया बस हो गया सर बट इन दोनों के इन तीनों के बीच का दोस्त नहीं जितने हो सके थर्ड पार्टिकल थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाओ रिलेशन में बट दोस्ती हो, होना चाहिए चलो तो ये क्या क्या कहा सोयल ने कहा भाई मैं ऊपर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो आप भी मुझे से, मेरे साथ ऊपर आ जाओ ये ने बोला हाँ सर आ जाएंगे बट मेरे साथ और एक बी आएंगे ये भी बोला सर सी तुम भी ऊपर आ जाओ सी बोला हमारे साथ बी आएंगे तो क्या हुआ ऐसे ऐसे करके अगर ये ट्यूब है तो कुछ ही देर टाइम में ये थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट हो जा रहा है तो देट इज वेरी प्राइमरी थिंग्स वेरी प्राइमरी थिंग्स द कंसेप्ट ऑफ कैपीलिटी ठीक है अब इसके साथ रियलिटी में क्या होता है वो मैं बोल रहा हूं देखिए सर मान लो ये आपका ट्यूब एक बड़ा सा ट्यूब है एक छोटा वाला ट्यूब है ये आपके आपका पानी है पानी ऊपर जा रहा है ठीक है अगर पानी है ना तो इसका कोई ऐसा होगा अगर मारकड़ी है तो ऐसा होगा सर क्यों होता है सर ऐसा क्यों होता है मैंने कहा था देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स कोस वेन केस टू वेन लेस देन एडेसिव फोर्स फोर्स मतलब सेम पार्टिकल मतलब इस ये तीनों का दोस्ती इन दोनों दोस्ती के साथ से ज्यादा है देन ऐसा केस होगा मतलब को फोर्स ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स जब इन दोनों के दोस्त, तीनों के दोस्ती इनका दोस्ती से कम होगा तब तो ये सीन होगा सो सर डू यू मीन बाय कैपिलरी कैपिलरी मीनस फ्लो ऑफ वॉटर इन अपवर्ड डिरेक्शन एगेंस्ट ग्रेविटी सर एग्जाम में जब लिखोगे आपको क्या चीज मेंशन करना होगा अपवर्ड मेंशन करना है एगेंस्ट ग्रेविटी मेंशन करना है अगर नहीं लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा जीरो ठीक है दैट्स बेसिकली कंसेप्ट ऑफ योर कैपिटलिटी सो नाउ कम्स टू डेरिवेशन देखो ये ट्यूब है और पानी ऐसा है ऊपर कौन काम करेगा सर्फेस टेंशन काम करेगा तो सर हम तो ऐसे फोर्स रिजल्टेंट नहीं कर सकते तो इसको कंपर्ट में बांट दो तो क्या होगा सर अगर ये मान लो आपका थीटा है एक काम करो जी ये थीटा ना करके ये थीटा कर दो ये थीटा कर दो ये आपका ये थीटा नहीं करो जी इसको हम कहता है क्या करेंगे सर नाइनटी माइनस थीटा ठीक है तो सर अगर ये 90 माइनस थीटा था वहीं क्या हो जाएगा टी साइन थीटा टी कॉस थीटा सेम चीज यहां पे होगा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा अब सर एक चीज पका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा आप लोग क्यों सर कैंसिल क्यू क्यों? देखो सर इसको मैं थ्री डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा पानी है पानी के हर पॉइंट में हर पॉइंट में हर पॉइंट में कौन रहेगा बताओ कौन रहेगा बताओ ना यार सर टी थीटा और ऐसा डिरेक्शन में ऐसा डिरेक्शन में ऐसा डिरेक्शन में कौन रहेगा टी साइन थीटा तो समेशन टी थीटा क्या होगा जीरो हो जाएगा कौन बचे रहेगा कॉस थीटा रहेगा सो वेन यू गो टू फॉर डेरिवेशन आपको क्या करना है सर फोर्स इक्विलिब्रियम करना है सो फोर्स इक्विलिब्रियम क्या करेंगे सर अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स सही या गलत देखो भाई अपवर्ड फोर्स कौन रहेगा टी कॉस पाई टू पाई आर एंड डाउनवर्ड फोर्स में कौन रहेगा ना वाटर का वेट है एम जी तो हम एम को तो एम नहीं लिख सकता है तो क्या लिखेंगे तो एम को हम लिखेंगे रो भी लिखेंगे वी को हम वी नहीं लिख सकते क्यों ये नॉट ओनली चल रहा है फ्लूड मैकेनिक्स चल रहा है हम वी आर कमिंग टू मैकेनिक्स तो ये हम ले नहीं लिख सकता है भाई क्यों नहीं लिख सकता ये मुझे पता नहीं है बट हम नहीं लिख सकता है पाई आर स्क्वायर एच तो so, बस एट द वैल्यू टी कॉस्टिटर टू पाई आर एन टू रो पाई आर स्क्वायर एच जी अब क्या क्या कॉमन है बस उसको कैंसिल करके जाओ और कुछ और तो कुछ नहीं सो दैट वट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ कैपिलरिटी एच सो एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटर पाई पाई तो कैंसिल हो ही गया बाय पाई पी रो आर जी आप क्या कर सकता है आर को इन टर्म ऑफ डायमीटर जैसे हमको पता है डी इक्वल टू टू आर सो आर इक्वल टू डी बाई टू हम लिख सकता है एच इक्वल टू फोर टी थीटा रो जी डी अब कुछ बंदों को प्रॉब्लम है उनको रो जी लिखने नहीं चाहता है तो उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम है रो जी लिखने में उन लोगों के लिए फोर टी थीटा गामा डी गामा क्या है गामा इक्वल टू रोजी यूनिट रेट खुश तो ये तो हो गया हाइट ऑफ कैपिलरी तो सर हाइट ऑफ कैपिलरी हाइट ऑफ कैपिलरी डिपेंड ऑन थीटा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है वन वन कब होता है ना कॉस जीरो पे तो so, थीटा का वैल्यू जब जीरो होगा तो एच दैट इज plus 4t by gamma d temperature 4 degree then surface tension of water is 75.6 dyne per centimeter when temperature is 20 degree then surface tension is 72. एट डाइन पर सेंटीमीटर सो एज यू सी एज प्रोपोर्शनल टी दैट मींस एट फोर डिग्री टेम्परेचर एट फोर डिग्री टेम्परेचर कैपिलिटी शुड बी हाई एट ट्वेंटी डिग्री टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीजिंग देन कैपिलिटी डिक्रीजिंग यहाँ पर तीन डिपेंडेंस है तो मैं लिखता हूं तो कैपिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है तो मान लो ये आपका बोनस पॉइंट हो गया डिपेंडेंसी वन बाई थीटा थीटा वैल्यू वाई वेन थीटा देन कैपिलइडी मैक्सिमम थीटा नाइन डिग्री कैपिलइडी इज जीरो सो थीटा इंक्रीजिंग थीटा इज जीरो कैपिलरी राइज हो गया थीटा इंक्रीज कर गया कैपिलरी डिक्रीज हो गया भाई पॉइंट नंबर टू कैपिलिटी प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन ये तो यहाँ पे पता ही चल गया ना ये पूरा चीज बट कैपिलरिटी प्रोपोर्शनल टू वन बाई टेम्परेचर जैसे कि अगर टेम्परेचर फोर डिग्री है तो टी का वैल्यू है सेवेंटी टू पॉइंट सेवेंटी फाइव पॉइंट समथिंग सेवेंटी टू सो टेम्परेचर इंक्रीजिंग हुआ ये तो सो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कैपेबिलिटी सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ एंड सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ तो हाइट ऑफ कैपिलरिटी भी डिक्रीज हुआ दैट इज वाई एज इन प्रोपोर्शनल टू वन बाई टेंचर सो यह तीन डिपेंडेंसी हो गया जैसे कि कैपिलरी प्रोपोर्शनल टू वन बाई थीटा प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन एंड वन प्रोपोर्शनल वन बाई टेम्परेचर ओके चल बढ़िया नाउ

ठीक सर और यहां पे कौन है सब लेवल मान लो यहां पे आपका कौन है वाटर टेबल है अगर यहां पे वाटर टेबल है मतलब ये जो सॉयल हो गया आपका कौन हो गया गामा

पानी है तो पानी क्या करेगा ड्यू टू फोर्स फोर्स एंड पानी ग्रेजुअली ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे सर पानी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा सर ये सैचुएशन था यह ड्राई था तो ये पार्शियली सैचुएटेड सॉयल हो जाएगा अगर पार्शियली पार्सियलीचुएटेड सॉयल हो गया देन डेंसिटी चेंज होगा डेंसिटी अगर चेंज होगा इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होगा आया समझ में वाई वी हैव टू रीड कैपिलरिटी एंड हाउ इट इज़ यू कैन रिलेट विथ योर सो इन दिस फैशन वी कैन रिलेट कैपिलरिटी विथ सॉयल मैकेनिक्स और इफेक्टिव स्ट्रेस और एक्चुअल चीज क्या होता है देखो ड्रॉ कर रहा हूं आपका ग्राउंड लेवल है सर ये वाटर टेबल है तो ये पानी है ना पूरा तो क्या करेंगे एक सर्टेन हाइट तक एक सर्टेन हाइट तक कैपिलरी राइज होगा ठीक है इसके बाद इतना ज्यादा नहीं होगा बट थोड़ा होगा इसको कहता है जोन वन इसको कहता है जोन टू अगर इसका मैं प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा यहां पे पोल्ड वाटर पॉजिटिव रहता है यहाँ पे पोर वाटर नेगेटिव रहता है तो ये पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर ये नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर बट आप पूछोगे सर ये सब क्यों कर रहे हो सर देखो चीज क्या होता है देखो इफेक्टिव स्ट्रेस अभी तक तो स्टार्ट में नहीं किया जब स्टार्ट करेंगे तब अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे थोड़ा जान लो वी नो दैट इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर ठीक है सो वेन वी कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस इन दिस जोन इन दिस जोन देन क्या होगा माइनस पोर वाटर प्रेशर बट वेन वी कैलकुलेट इफेक्टिव स्ट्रेस इन दिस जोन तब क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस इकॉल टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वी नो ना टोटल स्ट्रेस सिकमा माइनस माइनस ऑफ पोर वाटर प्रेशर तब क्या होगा E equal to sigma plus pore water pressure देखो जो pore water pressure यहाँ पे effective stress को reduce कर रहे थे वही pore water pressure यहाँ effective stress को increase कर रहा है तो भाई अगर effective stress increase हो रहा है तो इसका मतलब यही होता है आपका shear stress increase हो रहा है shear stress increase हो रहा है इसका मतलब यही होता है bearing stress increase हो रहा है तो capillarity so capillarity civil बंदे के लिए helpful है इसीलिए इसका बहुत सिग्निफिकेशन है इन आवर सॉयल मैकेनिक्स वर्ल्ड ये पूरा का पूरा चीज हम थोड़े थोड़े अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके जान लेंगे सो जुड़े रहे मेरे वीडियो के साथ एक 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 चीज़ हम पढ़ेंगे इस सॉयल मैकेनिक्स लेक्चर में सो गाइस ये आज का वीडियो है जहाँ में मैं बेसिकली कैपलाइटी सॉइल के बारे में बोला ठीक है जो क्या अपवर्ड डेक्शन होता है अगेंस्ट ग्रेविटी में काम कर सकता है और जो कंसेप्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन फोर्स एडिशन फोर्स के पिछले वीडियो मैंने बनाया था वो आप जस्ट जरूर देख लो एंड देन आई टॉक अबाउट हिज कंसेप्ट यह पे मैंने जस्ट थोड़ा एग्जांपल दिया हाउ लुक लाइक व्हेन कैपिलरी रिएक्शन वाटर के साथ होता है और हाइट मार्कर के साथ होता है और एक चीज ये जो टोटल फेनोमेन है ये जो टोटल फेनोमिन है इसको कहता है कैपिलरी एक्शन कैपिलरी फेनोमेन ये जो हाइट होता है इसको कहता है कैपिलरी हाइट ठीक है ये चीज मैं भूल गया था सॉरी फॉर देट देन हमने पढ़ा डेरीविजन मतलब कैसे हम सॉल्व करेंगे कैसे क्वेश्चन आता है ये आपका फाइनल फॉर्म है बट मैं रिकमेंड करूंगा सर मेरा मत करो बस ये चीज आपको दिमाग में रखो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स जैसे मान लो कोई एग्जाम कोई क्वेश्चन आ गया मान लो क्वेश्चन में आ, टे, टेंशन का का टेन दे दिया डायमीटर को फाइव दे दिया और गामा को दस दे दिया तो आपको बोला व्हाट इज द हाइट तो आप वही करो अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला में बैठ यू पुट इन फार्मूला इज इक्वल टू फोर टाउ गामा डी तो फोर इन टेन एंड गामा का वैल्यू टेन फाइव तो फोर बाई फाइव आंसर अगर नहीं है, अगर तो अब क्या करोगे सर सिंपल का सिंपल सा बात है टी पाई डी डेट इक्वल टू एम जी बस यह सब आपको डिड्यूस कर डेलीवेशन कर लो सॉल्व कर लो जो मर्जी है सर आई टेल यू एवरीथिंग यू कैन गो विद मेमोराइजेशन यू कैन गो विध द डेरिवेशन इट इज योर चॉइस मुझे बस दिखाना है मैं दिखा दिया इसके बाद क्या किया किया डिपेंडेंसी ऑफ द कैपीलिटी मतलब कॉज थीटा का वैल्यू के साथ कैसे ये फलाना टीम करना है ये सब मैंने किया उसके बाद ये देखा टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है फोर डिग्री और बीस डिग्री के साथ देखो फोर डिग्री में होता है सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स ट्वेंटी डिग्री में होता है सेवन टू पॉइंट फोर एंड देन आई टॉक अबाउट द एक्चुअल समर ऑफ डिपेंडेंसी जहां पे हमने कहा एज प्रोपोर्शनल टू वन बाई थीटा एज प्रोपोर्शनल टू सर्फेस टेंशन प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आप ना बहुत सोच सकते हो सर व्हाट डू मीन बाय टी मैं लिख सकता है सर फेस टेंशन लिख दिया ओके देन 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 यस दिस इज द मेन पॉइंट हाउ कैपिलीट रिलेट विद आवर और इफेक्टिव स्ट्रेस तो यह पे मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे एक्चुअल मैंने कर दिया आपका डायग्राम पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर एंड नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर चलो लिख सकता है ये है आपका नेगेटिव वाटर प्रेशर ये आपका होता है पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर ठीक है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में क्या चीज है ये मैंने यहाँ पे किया मतलब सेम पोर वाटर इफेक्टिव प्रेशर रिड्यूस हो रहा है समटाइम इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है सो दिस इज all the all about this video so I hope that video is clear for you if there's any kind of doubt do comment in comments I will definitely get back to you and if you are or you learn something new so to so like the video make sure you like the video and share the video with your groups because lots of exams is coming still if you are watching my video, Subscribe my channel and press the bell icon for never miss an update because I'm coming with this types of video almost every day. Thank you for watching this video. More knowledge, more opportunity.